कड के हम झूले के होका मार के जब फिर पाके रोना दिल पूछे समझाती सबका गम बटाती है अकबर आती है मेरी कौम बड़ी जज्बाती है कौम बड़ी जज्बाती है मेरी कौम बड़ी जज्बाती है अमरीका से यारी पे मुल्क खुद मुख्तारी पे इस्लाम की पहरेदारी पे ये अपना शहर चलाती है पैर कल से जाती है मेरी कौम बड़ी जज्बाती है कौन बड़ी जज्बाती है मेरी कौन बड़ी जज्बाती है सर मुझे 2 साल हो गए हैं एक ही चेयर की कंप्लेन करते हुए वसीम किसी रूठी हुई बीवी की तरह बॉस से मुखातिब था और बॉस के कानों में यह आवाज ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी डूबने वाले को जेरे गिरदाब कोई पुकार रहा हो और बॉस ने कहा तुमने मुझे ईमेल नहीं किया यार सर मैंने आपको 100 बार ईमेल की है बॉस ने किताब की तरफ दोबारा देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराया हालांकि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था लेकिन अपने गुस्से को पीते हुए कहा यार वो जिस वक्त तुमने मुझे ईमेल की थी उस वक्त मैं एसोसिएट मैनेजर था अब मैं पूरे वाला मैनेजर हूं मुझे इस पे ईमेल करो वसीम ने कार्ड पकड़ा और बॉस अपनी किताब की तरफ वापस मगन हो गए बॉस ऐसा शो कर रहे थे जैसे किताब में खोए हुए हैं दरअसल वो वसीम के जाने का इंतजार कर रहे थे और वसीम था कि जाने का नाम ही ना ले रहा था बॉस मुस्कुराए और कहा सुनो कल का अखबार जरूर पढ़ना मेरा कॉलम छपा है उसमें यह सुन के वसीम अपने वही आम रोजमर्रा के काम करने के लिए बाहर चला गया और बॉस इस दुनिया को इंसानियत के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मशगूल हो गए वाह क्या कलर है क्या डिजाइन है क्या प्लेसमेंट है नहीं यार बस ठीक ही है बस ठीक ही है क्या यार कॉम्प्लीमेंट लेना सीख यार ये क्या कलर है क्या डिजाइन है क्या प्लेसमेंट है तू तारीफे कर रहा है मुझे लग रहा है अभी क्लाइंट का फोन आया करो मुझे गालियां दे रहा हो 10 फोन क्यों नहीं उठा रहे तो वो ऐसे कोई रॉन्ग नंबर है नहीं रॉन्ग नंबर नहीं है तुम्हारा फीडबैक आया है ये कहते हुए बॉस ऑफिस मोड़ा और अपनी सीट की तरफ चला जी सर यार ये तुमने क्या किया इसका मकसद ही क्या है ये तुमने क्यों किया डू यू रियली नो हमारे ब्रांड का कलर क्या है येलो डीप येलो गॉड डैम इट मुझे लगा एंड ऑरेंज इज ऑलवेज ऑरेंज बट अ क्लाइंट इज ऑलवेज अ क्लाइंट सर उन माल्टो से आपने पूछा है कि उन्हें ये जिंदगी चाहिए या नहीं तुम अजीब बहस कर रहे हो लॉजिकलेस किस्म की जो कह रहे हैं वो करके भेज दो हम बेवकूफ हैं जी सर मैं करके भेज दू हेलो यार वसीम व्हाई इज ही कॉलिंग मी सर तो उसने आपको बताया नहीं बताया है भाई मैं वजह नहीं वजह पूछ रहा हूँ सर बिला वजह के चबले मारो से कुछ पता नहीं उसे हमारा बैंक अकाउंट पता है जो के काफी है सर आप तो कॉमन सेंस से काम ले ऑरेंज को येलो करोगे तो नींबू लगेगा वसीम नींबू छोटा होता है माल्टे बड़े होते हैं तो मैं बड़े छोटे की तमीज है कि नहीं नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था मैं घर जाके कर देता हूँ हेलो फाइल कब तक भेज रहे हो
यार ब्रदर, अभी 20 मिनट पहले कॉल करके आपने चेंज बताया और तब ऑफ हो रहा था यार। मैं भी बस घर एंटर ही हुआ हूँ, थोड़ी देर में करके आपको भेज रहा हूँ। यार तुम ऑफिस में ही रुक जाते, कब तुम मुझे भेजोगे? मैं क्रिएटिव को भेजूंगा, वो मार्केटिंग को भेजेगा, कब जाके अपलोड होगा? 3 अप्रूवल्स पेंडिंग है इसके ऊपर, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, कम ऑन मैन। जरा एक बार बता दो कि ऐड क्या करना है। थोड़ा सा रेड ऐड करो, थोड़ा येलो, हल्का सा व्हाइट। हाँ, अब ये हमारे टेस्ट के मुताबिक हो गया है। बिल्कुल। भेज रहे हो? अच्छा यार, मैं थोड़ी देर में चेंज करके भेज रहा हूँ। ओके, जल्दी से करके भेजो। वसीम, सर्फ वाले का प्रपोजल भेज दिया था? जी सर। और वो कॉफी वाले का? जी सर। और वो अंडों वाले क्लाइंट का क्या बना? भेज दो ना यार, जल्दी करो। यार सारी रात लाइट नहीं आई और पूरी रात लाइट के इंतजार में जाग कर रहा हूँ, और वैसे भी इतनी बड़ी फाइल मोबाइल डेटा से सेंड नहीं हो सकती। तुमने इतनी बड़ी फाइल बनाई क्यों? ब्रदर, वो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है फाइल। यार तुम लोग हर चीज सॉफ्टवेयर पे डाल देते हो। यार अच्छा मैं निकल रहा हूँ ना। यार 2 दिन लेट है ये फाइल, आज संडे है, कौन देखेगा? पीपल हैव लाइफ मैन। सर किताबें ले लेना। नहीं चाहिए यार। सर प्लीज सर। और नहीं चाहिए। ले लेना। नहीं चाहिए यार। ले लेना, ले लेना, ले लेना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यार जल्दी से फाइल अपलोड करो। सर मैं बस कर रहा हूँ, 2 मिनट में बस कर रहा हूँ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जरा बा जरा बा
जाराबू। सर मुझे ऑफ चाहिए। जाराबू ऑफ चाहिए। यार तुम कंपनी के एम्प्लॉई हो तो इसलिए तुम्हें 20% ऑफ मिल सकता है। सर मुझे छुट्टी चाहिए। वो तो कंपनी पॉलिसी में नहीं है। सर मुझे पता है बट मैं पागल हो चुका हूँ। हर टाइम डिप्रेशन में रहता हूँ। ना काम की समझ आ रही है और ना क्लाइंट में दिल लग रहा है। और आपने तो कहा था कि 9 to 5 है। और यार 9 to 5 ही है वो, तो कोई एक आधा क्लाइंट आ जाता है तो उसका काम। सर एक क्लाइंट का काम नहीं आता, 100 क्लाइंट और उसके 1500 मसले। यार जहाँ तक छुट्टी की बात है ना, तो पिछले 8 साल से मैं रेगुलर हूँ, एक भी छुट्टी नहीं की। और ये जो डिप्रेशन की बात है ना भाई, ये लड़कियों की फैलाई हुई बातें हैं, इन पे ये ना किया कर। आज तक दुनिया में कोई बंदा देखा जिसे वाकई डिप्रेशन हो? है ही नहीं। सर मुझे होता है एंड आई कैन फील इट। इश्क में हर बंदा जलील होता है, तुम्हें भी फील होता है, मुझे भी फील होता है। हाँ सर मुझे छुट्टी चाहिए। यार देखो इस मामले में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आई हैव समथिंग फॉर यू। एक्चुअली मार्केट में व्हील्स नहीं मिल रहे, तो फिलहाल कुर्सी के नीचे ये लगा लो, कुछ दिनों में देखते हैं फिर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये भी जरा बुक। मंडे संडे अंडे रम पम पम, खाएंगे हम अंडे कम कम कम। कुछ नया हम करके दिखाएंगे, सिनेमा में लगी आग बुझाएंगे, सोसर निकालेंगे चमन बजाएंगे, रुकेंगे नहीं अब हम। टाइम टाइम यार, ये जूनियर्स का मसला क्या है? बुलाएं तो बात क्यों नहीं सुनते? आया होगा तो आएगा ना। ऑफ पे सर। ये क्या है? ये है ही क्या, बल्कि ये क्यों है? आपने उस इंसान को ऑफ दिया है जो सारा दिन ऑफिस में वेला बैठा रहता है। मुफ्त का एसी, मुफ्त का वाईफाई, मुफ्त के चाय बिस्किट। और तो और आज तक ना तो उसने किसी प्रोजेक्ट में कोई लीड ली है और ना ही किसी प्रोजेक्ट में कोई इनपुट दिया है। सर आप उसको ऑफ कैसे दे सकते हैं? ना तो वो ये जॉब डिजर्व करता है और ना ही ये ट्रीटमेंट। और सर हम क्या कर रहे हैं, दिन रात एक ही काम। कभी साबुन को गीला बना दो, कभी माल्टे को पीला बना दो, और कभी बासमती को चमकता हीरा बना दो। हम क्या कर रहे हैं सर? और इंटरव्यू में तो आप अलग ही इंसान। बस अब मेरी लाइन है, मिड शॉट बनेगा। तुम जानते क्या हो जिंदगी के बारे में? सिर्फ अपने लिए सोचते। तुम जानते हो लोग दो वक्त की रोटी के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं, अपना ईमान, अपनी औलाद, अपना सब कुछ। अजीब बातें करते हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और मेरे बारे में पूछ रहे थे ना तुम, मेरे बारे में? हाँ मुझे आज भी याद है वो रात, वो सर्द रात। बारिश हो रही थी और मैं उसके बाप को कॉल कर रहा था। सर मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सर तुम नहीं कह सकते हो मेरी बेटी को दो वक्त की रोटी के अलावा
सर मैं उससे बहुत प्यार करूंगा सर। तुम जैसे गरीब लोग प्यार के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सर आप मेरी बात तो सुने और पीछे से बोल रही थी तो मुझे चुनते नहीं दोगे? सर, सर मुझे एक मौका सर। सर दाइम उसकी तो टांग टूट गई यार। सैड। तू चाहता क्या है? बुक लिखना चाहता हूँ यार, बट इस 9 to 5 की जॉब में किसी की बुक नहीं पढ़ सकता, अपनी कहाँ से लिखूँ? और तुझे तो पता है बुक लिखने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 माह चाहिए। तो टेंशन क्या है, ऑफ लेयर बुक लिख दे। ओ कंपनी पॉलिसी इन ऑफ। यार मेरी ना बस हुई पड़ी, शुरू में बहुत एनर्जी थी, अब 24 घंटे थका थका रहता हूँ, ना नींद पूरी हो रही है ना ख्वाब। अब तो लगता है ये ख्वाब भी उड़ाना पड़ेगा। कुछ करके कंपनी का बॉन्ड पे बैक नहीं हो सकता? यार 5 लाख कभी नहीं इकट्ठा हो सकता, पर इनकी पॉलिसी ऐसी है क्योंकि पूरा ही ना कर सके। सब फंसे हुए हैं यार, बस ये महंगाई का दौर, घर के खर्चे, टेंशन ही टेंशन। यार अम्मी का जब भी फोन आता है दिल की धड़कन तेज हो जाती। हेलो, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। जी भेज दूंगा। जी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। घर पर सब क्या है? ओके बाय। यही लाइफ है अपनी। यार एक बात कहूँ, वैसे तो मम्मी कहती हैं कि बंदे को ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो तो और भी बड़ा कुछ कहते हैं। जाहिर है, फरमाइए। टाइम सही नहीं रह गया, 3 महीने का लंबा ऑफ और वो भी पेड। एक और बात कहूं, नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। टांग तेरी टूटनी चाहिए। बुक लिखना चाहता हूं यार, टांग तेरी टूटनी चाहिए। और ये क्या कमाल की लेग ब्रेक की है, एक ही गेंद में पूरा गेम बदल डाला। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जुनून। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार था। मेरा बॉस बंदे को ग्राहक का इंतजार होता है ना। यार मेरा ना एक दोस्त है तो उसकी टांग टूट गई है। अफसोस हुआ। क्या लगेगा? क्या लगेगा? जितना मेरा तजुर्बा है ना, लंगड़ा लगेगा। लंगड़ा तो लगेगा, पट्टी में क्या लगेगा? तो बॉस यूं बोले ना, पट्टी में क्या लगेगा, मैं भी स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ। कितना को टांग होगी उसे? यही नॉर्मल टांग हो जितनी, इतनी नाप लेते हैं। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। एक, डेढ़, पौने तीन। बॉस जी स्टाइल और डिजाइन किस तरह का हो? स्टाइल एंड डिजाइन हमारी है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है, स्टार्ट से एस्थेटिकल है। ये नहीं हुआ कि ऑरेंज को पीला रंग कर दिया। ओ भाई कोई ना शौक से रंग नहीं बदलता, मजबूरियां करवा देते हैं। सही। छोटे दुपट्टियां ले आ। ये तेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता तू रोज रोज सिगरेट मारे। कोई तोड़े मेरी, ये भी तेरा टांग तो मानू मैं। डडंग डंग डंग डडंग डंग, टूटा तारा देख के मन्नत मांगी, टूटे टांग ना टूटी टांग। टडंग टंग टंग, ये
पहली बार ये फील हुआ मैं मुंबई क्यों नहीं रहता। सो जाता मैं सड़क किनारे बिस्तर डाले अपना और ये कहता सल्लू भाई तोड़ो जो मेरी टांग तो मानू मैं। टडंग टंग टंग टडंग टंग भी गैरत वाले अब तो है नहीं बसते। ठुल्ला ठुल्ला कह के देखा आगे से वो हंसते। बच्चे पे तो जुल्म हजारों मुझको क्यों नहीं कसते। तुम जो चाहो मेरा मसला एक झटके की मां। टण 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 आपके इलाके में एक नाफरमान टांग आ चुकी है, इसको तोड़िए और मेरी दुआएं हासिल कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह दुआ कीजिएगा। हील की जूती ही करेगी अब मेरे दिल को हील। मैंने खुद से कर ली है इको ही ये डील। नौ नंबर का जूता फिर नौ नंबर क्यों होता। न्यूटन के हर एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं होता। साइंस के दानों समझ तो आप गए होगे। अंकल इतना कमा लेते हो भाई? पहले 200-300 कमा लेता था मैं दिन का। लेकिन भला हो भाई पहलवानों का जिन्होंने टांग तोड़ी है। अब तो भाई 200-300 मैं जेब में करके रहता हूँ। कैसे भाई? भाई बरकतें ही बड़ी हैं। लाभ लग रहे भाई। काम में शाम में सारे मर गए बाकी सारे मजे हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है ताश के सारे राजे हैं। दाव पेच जो आते नहीं डंड का है को लगाते हो। धोबी पटका लगा नहीं और पहले ही शर्माते हो। कोई तो हो पलवो जो तोड़े मेरी टांग तो मानू मैं। चिगड़म बम 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 टूटा जूता गले में पहने फिरता हूँ बाजारों में। कोई भी मेरे काम ना आया सारे मेरे यारों में। कोई चुतोड़े टांग मेरी तो मानू तुम बस काम के हो और किसी काम के नहीं। कभी जिंदगी में थोड़ा वक्त मिले तो इस रिश्ते को भी दे देना। बेटा वो बिल बहुत ज्यादा आ गया। कितना मिल रहा है? 17,650। तो देख महंगाई कितनी हो गई है। आप परेशान ना हो मैं देखूंगी। तो मेरा अच्छे वाला बेटा है। तू ठीक है? जी। चल मेरा बेटा देख ले। थोड़ा अभी तो हूँ।
यादों में मैं जो तूने कहा था जो मैंने कहा था वो सुनने में एक है लेकिन वो दोनों ही बातें अलग हैं। आपकी टांग तो टूट चुकी है। आप सिंगल हैं? भाग के जाओ, सामने रुको, ऊपर से नीचे सब लोग और उल्टे पैर वापस आ जाओ। रुक जा, किधर जा रहा? मैं दवाइयां लेके आया। जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं जरूरत। आज मुझे मौका मिला, मुझे करने दे। क्या करेगा? मैं अपना खून बेच के दवाइयां लेके आऊंगा। भाई मुझे तेरा खून नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बैग पकड़ा दे। लेकिन इसके बाद मैं दवाइयां लेके आ रहा हूं। बैग कौन? चॉपर निकाल। ये तू दवाइयां ले आया वो जैकेट दे दे। हाँ। और बात सुन। हाँ। ये भी तो तू ही लाया ना। हाँ। हाय मेरा बेचारा वसीम, बेचारा पता नहीं किस कसम पुरसी की हाल में जिंदगी गुजार रहा होगा। मैं फिर अब 3-4 दिन इधर ही हूँ, तू घर चला जा यार। चला जाऊंगा यार, तू बॉस से तो बात कर। सर व्हाट अ सैड डे वसीम। इट इज, बट होनी को कौन टाल सकते? पूरा ऑफिस परेशान है। सर पूरा ऑफिस? बट मुझे तो लगता था मेरे से कोई प्यार ही नहीं करता। तुमसे प्यार? क्या बात कर रहे हो तुम? सर आप क्या बात कर रहे हैं? ओ भाई तुम हो कहाँ सुबह से? सर बहुत ही बिजी डे था। टीवी नहीं देखा? टीवी? टीवी लगाओ। जी हाँ नाज़रीन, आप सबको एक बात फिर बताते जाएं कि कोरोना की वबा के बाइस मुल्क भर में हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का हतमी फैसला ले लिया है और अब से वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। ये खबर आपको सबसे पहले ऑरेंज न्यूज चैनल ने दी है। मजीद इसके बारे में जानते हैं एक रिपोर्ट। आराम है?